सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का साथ देने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के न्योते को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने खड़गे को भेजा गया पत्र भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता की अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होकर पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और सपा के सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द का आंदोलन और आगे ले जाएगी। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि टीम इंडिया और पीडीए की रणनीति का गठजोड़ जीत का नया इतिहास लिखेगा। वहीं अखिलेश के निमंत्रण को स्वीकार करने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं अखिलेश जी, और निश्चित तौर से राहुल जी की जो सोच है, जिस तरीके से वो पूरे देश में एक अलग जगाए हैं न्याय की, एक संघर्ष की, उस यात्रा में अखिलेश जी शामिल हो रहे हैं। मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। यूपी में इससे कितनी मजबूती आएगी अखिलेश? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन ताकतवर मजबूती के साथ और आगे मजबूती से बढ़ेगा और मजबूती से ताकतवर होगा। जब जो ऐसे दल जो काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और खास करके अखिलेश जी और जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं, यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत मजबूत संदेश जाएगा। अगर दोनों दल साथ आते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो तस्वीर कैसी हो सकती है? अब अगर मगर कहा रह गया भाई, जब वो आ रहे हैं साथ, आ रहे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, तो निश्चित तौर से एक साथ मिलकर मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है। चलिए, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया है इस यात्रा में। उनके आने से निश्चित रूप से उसकी और शोभा। कितनी मजबूती मिलेगी गठबंधन को, इंडिया अलायंस को? सभी मजबूत है, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और मजबूत हो। 16 फरवरी को जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है, अमेठी या रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। इंडिया प्लस पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, पीडीए इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सर, अभी अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं, क्या लगता है कुछ तस्वीर बदलेगी लोगों के? कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार भी बहुत समझौते हुए तो नतीजा क्या हुआ? जनता विश्वास नहीं करती, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, दोनों अपनी अपनी सोच रहे हैं कि हमारी कैसे बच्चे, वो कहते हमारी कैसे बच्चे, दोनों अपने अपने सम्मान बचाने की फिराक में है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जनता में विश्वास खो चुके हैं। आपको याद दिला दें कि 4 फरवरी को अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के निमंत्रण पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हमें बड़े आयोजनों में निमंत्रण मिलता ही नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी का काफिला 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ अमेठी या रायबरेली में दे सकते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की सहमति दे दी है।